हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली व्लॉग्स। एंड आज का जो व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग टाइम से। और अभी यहाँ रखा हुआ है घी, अभी बन गया है। अभी रखा था मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि थोड़ा सा घी था, मलाई रखी हुई थी, तो मैंने उसका जो है घी बना लिया है। एंड अभी बन गया है, अभी जस्ट मैंने इसको बंद किया है। और आपको आ रही होगी आवाज़, क्योंकि सिद्धू कॉफ़ी को ना कॉफ़ी और चीनी को मिक्स करी है, क्योंकि अभी हम कॉफ़ी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, तो भी वो वही मिक्स करिए, तो उसकी भी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो अभी ये ना इतना हो गया है। एंड अभी इसको मतलब बहुत टाइम लगता है ऐसे इस वाली कॉफ़ी को बनने में, इसमें तो हाथ दर्द करने लगते हैं इसको ऐसे फेटते फेटते। तो अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया हमको इस कॉफ़ी को फेटते हुए, और ये हाथ से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मेरी और सिद्धू की तो हालत ही ख़राब हो गई है। पहले कटोरी में कर रहे थे, फिर मैंने सोचा उसमें सही से होगा नहीं, मेरे कपड़े भी थोड़े से ख़राब हो गए। अभी मैं इसमें कर रही, इसमें भी नहीं हो रहा। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार इसमें करके देखते हैं, जार में डाल के देखते हैं कि अब इससे कॉफ़ी बन जाए हमारी। में जो है बहुत टाइम हो गया इस कॉफ़ी को फेटते फेटते, क्योंकि इस वाली कॉफ़ी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे बनती है नॉर्मल तरीके से भी बनती है, बट जो ऐसे फेट के बनाते हैं ना, तो ये कलर आ गया इसका थोड़ा सा और लाइट वैसे होना चाहिए था, बट इतना भी बहुत है, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा हम दोनों से। बहुत भारी पड़ गई है कॉफ़ी हमें। तो हम दोनों का ही कॉफ़ी बहुत ज़्यादा भारी सी पड़ गई है, हाथ दर्द करने लगे हैं उससे ना, रेड रेड से हो गए हाथ मेरे भी और सिद्धू के भी, दोनों के ही हो गए हैं। तो अभी तो बनाएंगे कॉफ़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी ये आए नहीं हैं। तो ये जैसे आएंगे तो अभी इनको मतलब थोड़ा सा टाइम है, 10-15 मिनट है अभी, तो 10-15 मिनट बाद ये आएंगे। तो उसके बाद जो है हम बनाएंगे कॉफ़ी तीनों के लिए, तो तीनों पियेंगे आराम से। और कल भी ये कह रहे थे, कल भी हम मतलब कल भी मैंने बनाई नहीं, और ये कल भी क्या आए थे कॉफ़ी पीने के लिए, कल मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मेरा मन था कि ये फेंट के वाली बनाऊंगी। एक तो नॉर्मल होती है, दूध में डाल के उसी टाइम बन जाती है, मेरा मन था कि इस टाइप की बनाऊं। और अब मैं सोच रही हूँ कि वही वाली बनाऊंगी, दूध वाली, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं लगती। और सिद्धू की हालत उड़ के ख़राब, क्योंकि वो कह रही कि हम तो ऐसे वाली नहीं बनाते, वही कह रही थी कि दूध मतलब जो डायरेक्ट डालते हैं ना वो वाली, अब वही वाली बनाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो जाता है, बट टेस्ट भी काफ़ी मतलब डिफरेंट होता है दोनों में, बहुत टेस्ट का डिफरेंस हो जाता है दोनों कॉफ़ियों में। और घी भी इधर बन चुका है, दोनों चीज़ें हो गई हैं। और अभी जा रहे हैं हम अंदर, थोड़ा सा बैठेंगे जब तक के आएंगे। तो अभी रेडी हो गई है हमारी कॉफ़ी। चिमरू पापा को लगा दो ये, अबू इधर तो देखो, पापा को लगा दो जरा, अबू फिर से लगाओ।
क्यों नुशी हो? पापा को लगा दो। तो अभी जो है मैं बाहर वाले रूम में बैठी हुई हूँ और ये तीनों अंदर हैं। तो ये तो मैच देख रहे हैं क्योंकि मैच चल रहा है आज, तो ये अपना मैच देखने में लगे हुए हैं। और अभी हम दोनों ही गए थे, सीतू और अभी घर पर ही थे। और मतलब इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इनको ना थोड़ा सा फीवर हो रहा है और हाथ कह रहे कि हाथ पैर भी इनके थोड़े से दर्द हो रहे हैं, तो इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए हुए थे। तो फीवर भी है नहीं, 101 फीवर है। और अभी मतलब पूरी बॉडी ऐसे उठ के गर्म, बट मतलब दवाइयाँ लेके आ गए हैं। तो अभी दवाइयाँ खाई तो नहीं है, अब खाएंगे थोड़ी देर बाद जैसे खाना खाने के बाद। तो और अभी मतलब खाना नहीं बनाया है, तो अभी जा रही हूँ मैं बस किचन में ही जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, ताकि टाइम से दवाई ले के आराम से सो जाएँ, क्योंकि फिर सुबह इनको जाना है। मतलब वही मैं इनसे कहती कि जब ज़्यादा फीवर हो रहा है आपको तो रेस्ट कर लो एक दिन, बट कह रहे कि रेस्ट नहीं करना, तो कल जाएंगे ही जाएंगे। तो इस वजह से जो है मैं जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ, फिर ये आराम से दवाई खा के आराम से सो जाएंगे। ये आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी हम तीनों जा रहे हैं किचन में क्योंकि खाना बनाना है। और ये कहते हैं आज दाल बनाऊँ मैं, क्योंकि दाल ना थोड़ी वैसी होती है, हेल्दी वैसी होती है, सब्जी खाने का ही कह रहे हैं मन कर नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं सब्जी खाने का मन हो नहीं रहा है, तो अभी जो है मैं दाल ही बनाने वाली हूँ। तो कहते मिक्स वाली दाल जो होती है वो मैं बनाऊँगी साथ में रोटियाँ, बाकी खिचड़ी वगैरह इनको पसंद है नहीं। मैंने सोचा खिचड़ी खा लेंगे, तो खिचड़ी ये वैसे खाते हैं नहीं। तो अभी जो है बस चलते हैं किचन में। पापा जल्दी से बुखार ठीक करो, बोलो। जी रुकना है ना, है खराब नहीं, चुप लो। तो अभी जो है खाना पीना हो गया है हमारा, और अभी इन्होंने दवाइयाँ खा ली हैं अपनी। और अभी हमने चेक किया था इनका फीवर, तो फीवर जब शाम को डॉक्टर के पास गए थे तब था 101 और अभी 102 गया है, क्योंकि दवाइयाँ इन्होंने अभी खाई है, मतलब तब से इन्होंने दवाइयाँ खाई नहीं थी शाम को, तभी खाना खाने के बाद दवाइयाँ इन्होंने अभी ली हैं। तो अभी जो है बस अब सो जाएंगे दवाई खा के, और हम भी बस अब सोने वाले हैं। तो देखते हैं बस अभी के ऊपर है अभी कब तक सोती है, लेट सोती है अभी, और 10:30 हो गए हैं, तो अभी देखते हैं अभी कब तक सोएगी। तो उसी के बाद जो है हम भी सोएंगे जब अभी सो जाएगी, कि अभी इन्होंने दवाइयाँ ले ली है तो ये आराम करेंगे, और फिर देखते हैं सुबह तक फीवर कैसा रहता है। और अभी जो है मैथ ब्लॉग का भी कर देती हूँ यहीं पे एंड।